कंडीशनर के आउटर यूनिट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है जो हमारे एनवायरमेंट टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल है लेकिन इंटरेस्टिंगली एक मीटर दूर अंदर की यूनिट का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस होती है वह क्लोज लूप में फ्लो करती है इसकी गैस कभी खत्म हो ही नहीं सकती है और यदि क्लोज लूप में यह फ्लो करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह गैस एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है तो यह सभी डाउट इसकी वर्किंग के साथ में क्लियर करते हैं एयर कंडीशनर की कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं होती है स्टार्टिंग होती है कंप्रेसर से एयर कंडीशनर का हार्ट यही डिवाइस होता है और इस कंप्रेसर के अंदर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग एक एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस भरी जाती है जिसको आर थर्टी टू बोलते हैं इस गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा और जब गैस कंप्रेसर से बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड अब इस हाई टेम्परेचर को हमें थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है तो रेफ्रिजरेंट पहुंचता है कंडेंसर कोइल के पास में आज के टाइम में एसी के ऊपर 100% परसेंट कोपर कोइल लिखा रहता है तो कंपनी इसी कोइल की बात कर रही होती है क्योंकि कॉपर कोइल की हीट एक्सचेंज क्वालिटी बहुत शानदार होती है तो ये गर्म और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है इन इतनी लंबी कोयल से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो ठंडा होने लगेगा और इस कोइल से हीट को जल्दी बाहर निकालने के लिए एक फैन भी लगा रहता है जब रेफ्रिजरेंट कोइल से बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा लेकिन कंडेंसिंग कोयल के पास में जो गैस कंप्रेसर से मिल रही थी उसको यह लिक्विड में बदल देगा आपको पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड से वेपर में बदल जाता है यानी लिक्विड से गैस इसके उल्टा जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम फ्रिज से निकाल कर बाहर रखते हैं तो इसके चारों तरफ पानी की बूंदे जमा हो जाती है जिसका मतलब है वेपर वापस लिक्विड में बदल रहा है तो कंडेंसिंग कोइल भी गैस को ठंडा करने का काम करती है जिससे यह गैस से लिक्विड में बदल जाती है लेकिन अभी भी यह हाई टेम्परेचर का लिक्विड हमारे किसी काम का नहीं है तो यहाँ से लिक्विड एक्सपेंशन वोल के पास में जाता है एक्सपेंशन वॉल का ओरिफाइस बहुत छोटा होता है तो इधर वाली साइड में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी है और हाई टेम्परेचर भी है लेकिन जब इस ओपनिंग से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर सडनली रिड्यूस हो जाएगा जिसके साथ में इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और यह लिक्विड एक्सपेंड करेगा इससे यह रेफ्रिजरेंट वापस लिक्विड से गैस में बदलने लग जाएगा लेकिन यहाँ पर लिक्विड 100% परसेंट गैस में नहीं बदल पाता है यह वोल ठीक एक वॉटर स्प्रे की तरह काम करता है वॉटर स्प्रे भी बेसिकली वोटर को वेपर में बदल देता है और यह काफी ठंडे भी होते हैं गर्मियों में छत पे रखी टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए सावर से आपको पानी का टब भरना होगा और आप देखना पानी का टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाएगा अब यह एकदम ठंडा रेफ्रिजरेंट जाता है हमारे रूम में लगी हुई ई वेपोरेटर कोइल के पास में यह कोईल भी कोपर की ही बनी होती है जो हीट एक्सचेंज का काम करती है अब यह कोयल रूम में कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी इसको टन में मापा जाता है वन टन लगभग 3500 फाइव हीट एक्सचेंज करता है जबकि वन टन का एसी 1000 थाउजेंड आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जब ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कोयल से फ्लो करेगा तो यहाँ पे लगा हुआ फैन इस ठंडक को पूरे रूम में फैला देगा जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है ठीक वैसे ही ई वेपोरेटर कोइल काफी ठंडी होती है तो इसके चारों तरफ भी वाटर के वेपर इकट्ठा होने लग जाएंगे जिनको साइड में कलेक्ट करके इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है इसी फंडे को यूज में लेकर बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है तो एयर कंडीशनर रूम के अंदर की नमी को भी सोप कर बाहर निकाल देते हैं और ऐसा हमारे साथ में भी होता है जब हमारी स्किल का लेवल एकदम वीक होता है तो लाइफ हमें एकदम च्वेंगम की तरह चबाकर फेंक देती है लेकिन थ्री एनिमेशन की स्किल काफी पावरफुल है और आज के टाइम में काफी डिमांडिंग भी है हमने एनिमेशन तो आपको डिटेल में सिखाया ही है इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो अर्निंग के तरीके है उनको भी डिटेल से डिस्कस किया है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है आप जरूर से कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नाउ बैक टू द पॉइंट अब यह रूम को तो ठंडा कर रही है लेकिन रूम की जो गर्मी है उससे इसमें फ्लो हो रहा रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे वापस गर्म होने लगता है और अभी मैंने आपको बताया की एक्सपेंशन वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हंड्रेड वेपर में नहीं बदल पाता है तो रूम के अंदर जो गर्मी है उससे रेफ्रिजरेंट वेपर में बदलने लग जाता है लेकिन जब रूम ठंडा हो जाता है तो यह कोई भी इस रेफ्रिजरेंट को पूरा वेपर में नहीं बदल पाती है अब ई से यह मिक्स्ड लिक्विड और वेपर पहुंचता है कंप्रेसर के पास में और जैसा कि इस डिवाइस का नाम ही कंप्रेसर है तो इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि सिर्फ गैस को ही कंप्रेस किया जा सकता है लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है और बाय चांस ये लिक्विड कंप्रेसर में पहुंच गया तो कंप्रेसर ब्लास्ट कर जाएगा और ब्लास्ट नहीं हुआ तो कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी रहती है वह जल जाएगी लिक्विड से तो हमें कंप्रेसर को सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो एक्चुअल में एक्सपेंशन वोल कुछ इस टाइप का होता है और यह जस्ट ई वेपोरेटर कोइल के पास में लगा रहता है इसमें नीचे से हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला लिक्विड आ रहा है और जब यह इस नेरो एरिया से पास करेगा तो वेपर में बदल जाएगा एक्सपेंशन वोल बेसिकली यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है यदि यह रेफ्रिजरेंट को बहुत कम एरिया से पास करवाएगा तो कुछ ही रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल पाएगा जिससे ई वेपोरेटर कोइल कम ठंडी होगी और जितना ज्यादा रेफ्रिजरेंट यहां से पास होगा उतना ही रूम टेम्परेचर डाउन होता जाएगा वॉल में ऊपर की तरफ एक डायफ्राम लगा रहता है और यही डायफ्राम इस रोड के थ्रू यहां से फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है और इस डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक हीट सेंसिंग डिवाइस ई वेपोरेटर कोइल के बाहर की तरफ एग्जिट पर लगी रहती है इसमें एक लिक्विड होता है जो काफी हीट सेंसिटिव होता है और इस हीट सेंसिंग डिवाइस के लगाते ही एक्सपेंशन वॉल का नाम बदलकर हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन वोल मान के चलते हैं, आपने ए को सिक्सटीन डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर रखा है जैसे ही रूम का टेम्परेचर एटीन डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो इस हीट सेंसिंग डिवाइस में जो लिक्विड है वह गर्म होकर वेपर में बदलेगा और डायफ्राम के ऊपर फोर्स लगाएगा जिससे ज्यादा रेफ्रिजरेंट पास होगा और कोइल ज्यादा ठंडी होगी कोई ज्यादा ठंडी होगी तो रूम की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी और इस हीट से कोइल के अंदर जो पूरा रेफ्रिजरेंट है वह वेपर में बदलने लग जाएगा और हमारा कंप्रेसर एकदम सेफ रहेगा बेसिकली कंप्रेसर कंडेंसिंग कोईल के एकदम पास में लगा रहता है और आज के टाइम में स्पाइरल टाइप कंप्रेसर भी एयर कंडीशनर में यूज होते हैं जो काफी साइलेंट और स्मूथ होते हैं इन सभी टाइप के कंप्रेसर की मैंने इस वीडियो में डिटेल से बात की है तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर दोनों पाइप एक जिसमें कंप्रेसर से ई वेपोरेटर की तरफ लिक्विड जा रहा है और दूसरी जिसमें ई वेपोरेटर ऐसी निकल वापस कंप्रेसर के पास में जा रहा है यह दोनों पाइप एक दूसरे के पास में सेट की जाती है इसके पीछे रीजन है इधर रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग कोइल से आ रहा है जो अभी भी काफी गर्म है और रूम को ठंडा करने के लिए जा रहा है तो इधर वाली कोइल से थोड़ा बहुत यह भी ठंडा होने लगेगा और इधर वाली कोईल से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के पास जा रहा है तो यह गर्म होकर पूरी तरीके से वेपर में बदलने लगेगा जिससे ओवरऑल एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को पोज करके कमेंट में जरूर से लिखना क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कूलिंग को कम ज्यादा कर रही है यदि आपका आंसर थर्मल एक्सपेंशन वोल है तो आप गलत हो थर्मल एक्सपेंशन वोल बेसिकली यह डिसाइड करता है की कम्प्रेसर के पास में लिक्विड पूरी तरीके से गैस में बदल ही जाना चाहिए यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल हमारा कंप्रेसर ही करता है जब हम एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो बेसिकली हम कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं जितना ज्यादा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करेगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी तो यहां पर आपने देखा पूरा का पूरा सिस्टम एक क्लोज लूप में काम कर रहा है गैस कहीं से लीक होती ही नहीं है तो एयर कंडीशनिंग की गैस खत्म हो जाए कोई चांस ही नहीं है जब तक इसमें कोई लीकेज ना हो तो पुराने जमाने के एयर कंडीशनिंग में लीकेज की वजह से यह इन्वायरमेंट और हमारे दोनों के लिए ही खतरनाक है रेफ्रिजरेटर का मेकेनिज्म भी ठीक ऐसे ही काम करता है आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा वीडियो एंजॉय कर सकते हो ऐसा एनिमेशन आप सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन थ्री एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपना फीडबैक जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना थैंक यू